नमस्कार दोस्तों, स्विजी पकवान में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चूहे तो हम सबके घर में होती है और चूहे हमारे घर के चीज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते। खाने पीने की चीज़ें हो या फिर साग भाजी वगैरह है, पेड़ पौधे है, बच्चों के कपड़े वगैरह है, काफ़ी पुस्तक कपड़े उपड़े नए नए कपड़े होते हैं महंगे महंगे, उसको भी ये काट देती है। तो इससे काफ़ी हद तक हमें नुकसान पहुँचाती है। तो आज हम चूहे भगाने का बढ़िया सा घरेलू सा नुस्खा लेकर आए हैं और ये बाज़ार की कोई भी महंगी महंगी दवाई लेकर लाना नहीं पड़ेगा, बहुत ही काम का ये नुस्खा है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। और बाज़ार की हम दवाई ले तो चूहे को मार देते हैं, चूहा इधर उधर मर जाता है तो भी कीड़े वगैरह लग जाते हैं, जिससे भी हमारे घर में बीमारी का भी खतरा रहता है। बच्चे वगैरह भी रहते हैं तो दवाई ला के मारने के लिए लाते हैं तो उसमें भी खतरा रहता है। तो हमने यहाँ पर देखिए चाय की पत्ती लिए हैं और इसमें यहाँ पे हमने मीडियम साइज़ का प्याज लिए हैं, प्याज को हमने कद्दूकस कर लिए हैं इस तरीके से। और यहाँ पर हमने लिया है लहसुन, 4-5 कली लहसुन का लिए हैं, तो इसको भी हमने कद्दूकस कर लिए हैं। यहाँ पे कटोरी लिए हैं, कटोरी में इसके लहसुन प्याज को इस तरीके से हम डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए जो चाय पत्ती बचा है उसको इसमें डाल देते हैं इस तरीके से। और इसमें डाल देते हैं लाल मिर्ची पाउडर। और यहाँ पर देखिए मैंने लिया है एक ख़राब वाला दवाई है, एक्सपायरी मेडिसिन, तो इसकी कैप्सूल है दो, तो मैं दो कैप्सूल इसमें डाल देती हूँ। तो देखिए हमने इस तरीके से दो कैप्सूल इसमें डाल दिए हैं। अभी बढ़िया सा हमारा सोलूशन बन के तैयार हो जाएगा एक केमिकल। तो इसमें हम डाल दिए हैं पानी थोड़ा सा। और यहाँ पर हमने लिए हैं बेसन, इसमें 4-5 चम्मच इसमें बेसन डाल देते हैं इस तरीके से। बेसन की जगह आप कोई सा भी आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम घोल लेंगे, बढ़िया सा गाढ़ा सा इसका पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए हमारा सलूशन बनके तैयार हो गया है। अब जब चूहे इसे खाने के लिए आएगा और जब एक बार खा लेगा ना तो चूहे घर की तरफ आएगा भी नहीं, भाग जाएगा। तो देखिए हमारा घोल बनके तैयार हो गया है। अब चलिए इसमें यहाँ पे हमने टूथब्रश लिया है ख़राब वाला, यहाँ पर हमने कार्डबोर्ड का टुकड़े लिए हैं, आप पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद इसको इस तरीके से हम ब्रश की मदद से इस तरीके से हम फैला देंगे। अब इसको जहाँ पर भी आपके घर में चूहे आते हैं वहाँ पर इसे रख दीजिएगा, जिससे कि चूहे जब एक बार इसे खा लेगी ना फिर चूहे घर की तरफ दोबारा नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम चूहे को भगा सकते हैं, बाज़ार की महंगी महंगी दवाई की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे खाने के बाद उसके पेट में जलन होगी बहुत ही बेचैनी, में से तिलमिला जाएगा, फिर वो घर की तरफ आएगा भी नहीं। इस तरीके से हम यहाँ गैस के नीचे रख दिए हैं, दरवाजे में रख दिए हैं, इस तरह जहाँ